हेलो फ्रेंड, अभी मैं आपको ये वाला डिजाइन बताऊंगी। आज देखिए, ये काफी खूबसूरत है और इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, किसी में भी कार्डिगन, हाफ स्वेटर हो गया, या बच्चों का भी स्वेटर या टोपी, कहीं पे भी इस डिजाइन को अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिजाइन देखने में काफी खूबसूरत लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। ये 6 फंदों का डिजाइन है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। और आप लोगों को दिल से सॉरी, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए। तो आइए इस डिजाइन को बनाना बताते हैं। तो इस डिजाइन के लिए हमने ये कुछ फंदे डाल लिए हैं और ये 6-6 फंदों का डिजाइन है। तो इसमें पहले सेट करना होता था, शुरू में एक और लास्ट में एक फंदे छोड़ना होता है। इस तरह से हमने इसमें पहले 15 फंदे डालकर, आप भी जो भी चीज बना रहे स्वेटर में, तो पहले उसका बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद इस डिजाइन को बनाना शुरू करना है। तो सबसे फर्स्ट फंदे को हमने उठा लिया है, उसके बाद धागे को आगे करना है और फर्स्ट सेकंड फंदे को हमें ऐसे उल्टा बुन लेना है। उल्टा बुनने के बाद धागे को पीछे बैक साइड में करना है और इस फंदे में हमें 1, 2 और 3 बार ऐसे लपेट देना है, फिर इसको उतार देना इस तरह से। उसके बाद से हमें 1, 2 और 3 तीन फंदे सिंपल से बुन देने हैं और फिर से चौथे फंदे जो आएंगे उसमें भी हमें ऐसे 3 बार लपेटना है, देखिए इस तरह से, और फिर इसे बुन लेना है। उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को उल्टा बुनना है। तो हमारा 1 बार का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। और फिर से हमें धागे पीछे करने हैं और उसके आगे वाले फंदे में 1, 2 और 3 इस तरह से। और उसके बाद फिर से हमें 3 फंदे ऐसे सीधे सीधे बुन लेने हैं, 1, 2, 3 तीन फंदे बुन लेने हैं। फिर से चौथे फंदे में 3 बार लपेट लेने हैं और इसको इस तरह से। और ये डिजाइन सीधी तरफ से ही होगा, बनना शुरू होगा, और फिर इसे एक बार उल्टा, फिर धागे को पीछे करके लास्ट वाले फंदे को हमें सीधा बुन लिया। और उसके बाद से फिर अब दूसरी सिलाई में चलते हैं। तो दूसरी रो में हमें फर्स्ट फंदे को, अगर आप बुनते हैं तो बुन लीजिएगा, उठाते हैं तो उठा लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, ये सीधा दिख रहा है तो हम भी इसे सीधा ही ऐसे बुनना है, देखिए इस तरह से। और उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ करना और इस जो हमने लपेटा है इसको ऐसे केवल खोल लेना, इसको बुनना नहीं है, केवल खोल के छोड़ देना है। और उसके बाद जो बीच वाले 3 फंदे हैं उसको हमें बुन लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे जो लपेटा हुआ है इसको केवल खोल लेना, बुनना नहीं है। और उसके बाद वाले फंदे हमारा सीधा बुना है तो धागे को यहीं पे आगे करके इसे सीधे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और फिर इसको खोलना है तो खोल के छोड़ देंगे, बुनना नहीं है उसको। फिर हमें 3 फंदे बुन लेने हैं और फिर आगे वाले फंदे को खोलना है, इसको खोल के छोड़ देंगे और फिर यहीं पर धागे को बैक साइड करके और यहाँ पे इस फंदे को हमें सीधा बुनना, बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके लास्ट वाले फंदे को हमें इस तरह से बुनना है। तो ये हुई दूसरी लाइन। और तीसरी लाइन में हमें बस उल्टा है, जो देखिए ये वाला उल्टा है तो इसे हमें उल्टा ऐसे बुन लेना है, फिर धागा पीछे करना है और इस फंदे को हमें उठाना, इसको बुनना नहीं है अभी, फिर धागा धागा पीछे ही रहेगा और ये 3 फंदे जो सीधे बुनने हैं दिख रहा है, इसको हमें सीधे सीधे 3 फंदे को बुन लेना है। यहाँ पे मैं 3 फंदे को सीधे बुन लेती हूँ, देखिए इस तरह से। और फिर इस फंदे को हमें बुनना नहीं, केवल उतार लेना है, फिर धागा अपनी तरफ करना है और फिर इसको उल्टा बुनना, फिर धागा पीछे साइड करके इस फंदे को उठा लेना है और यहाँ पे फिर से हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो इस 3 फंदे को हमें सीधे बुन लेती हूँ और उसके बाद फिर से धागे को इस फंदे को उठाने हैं और फिर धागा अपनी तरफ करके लास्ट में इस फंदे को उल्टा है तो उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे करके इस फंदे को ऐसे बुन देना। उसके बाद फिर से बैक साइड में वही करना है। ये मेरा चौथी सिलाई है, चौथी सिलाई में भी धागे को बैक साइड कर लेना है और देखिए ये सीधा दिख रहा है, इसे हमें बस सीधा बुनना है। साइड वाले आप फर्स्ट फंदे को आप बुनना है तो बुन सकते हैं, उठाना है तो उठा सकते हैं, फिर धागा अपनी तरफ करके और इस फंदे को हमें नहीं बुनना है, जैसे उठाना है जैसे उठा लेंगे। और फिर से हमें जो 3 फंदे मेरे है उसको हमें यहाँ पे उल्टा दिख रहा है तो उल्टा ही बुनना, जो जैसा दिख रहा है वैसे। उसके बाद देखिए इस फंदे को हमें केवल उठाना, इसे बुनना नहीं है, फिर धागे को बैक साइड में करके और यहाँ पे ये सीधा है तो इसको हमें सीधा बुन देना है एक फंदे को, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को उठाना है,
उठा लेंगे और फिर तीन फंदे हमें वैसे ही बुन लेने हैं इस तरह से। उसके बाद फिर से इस फंदे को उठा लेने हैं और फिर धागा बैक साइड करके एक फंदे सीधे बुनने हैं, फिर अपनी तरफ करके एक फंदे उल्टे लास्ट वाले बुनने हैं। तो देखिए इस तरह से ये मेरा चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट फंदे को हमने उठाया है, आप चाहे तो बुन सकते हैं, बार बार मैं बता रही हूँ। और उसके बाद मेरा फंदा उल्टा है, जैसे उल्टा बुन लूँगी। उल्टा बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें इस फंदे को, इस वाले को ऐसे छोड़ देना है, ये दो और ये तीन फंदे सिलाई पे लेने हैं। फिर इस वाले फंदे को हमें ऐसे ही उतार देना है, हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने बीच वाले जो तीन फंदा बुन रहे थे उसको उठा लिया सिलाई पे, और यहाँ पे भी जो एक फंदा था उसको उतार दिया और इसको उतार दिया। अब हमें इस फंदे को पहले इस सिलाई में ले लेने हैं, यहाँ के फंदे को, और फिर अब तीन फंदे को इसमें डाल देने हैं, देखिए इस तरह से, और इस वाले फंदे को यहाँ फर्स्ट में लगा देने, हो गए। और इसके बाद धागे को अब हम पीछे करने हैं, क्योंकि यहाँ फंदा उल्टा था तो इसे उल्टा बुना है। और बुनने के बाद अब हमें यहाँ पे इसे सीधे बुन देना है, सीधा, और फिर इसको भी हमें सीधा ऐसे बुन देना है। ये मेरी पांचवी सिलाई है ऐसे, और फिर इसको भी इस तरह, तो दोनों एक दूसरे पर क्रॉस आ रहा है ना। और उसके फिर से धागे को अपनी तरफ करना, ये फंदा मेरा उल्टा है तो इसे उल्टा बुन देना है, फिर धागे को पीछे कर देंगे। और उसके बाद फिर से हमें ये वाला फंदा हमने जो लपेटा था उसको उतार देंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। पहले इस तीन फंदे को हमें इस सिलाई में लेने हैं और इस वाले फंदे को उतार के छोड़ देने हैं, देखिए छोड़ दिए दोनों फंदे को। तो पहले इस वाले फंदे को इस सिलाई में लेने हैं, उसके बाद फिर से ये तीनों फंदे इस सिलाई में डाल लेंगे, और फिर जाके इस वाले फंदे को इसके ऊपर में डाल देंगे। उसके बाद धागा पीछे तरफ किया है मैंने, और इसके बाद हमें लाइन से इसे बुन देने, देखिए बस सीधी सीधी ही बुन देनी है इस तरह से, ये भी क्रॉस हो गया ना। और उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ करके, ये उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके ये सीधा है तो इसको सीधा बुनेंगे। तो ये इस तरह से डिजाइन बनेगा। और उसके बाद पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब छठी सिलाई में हमें जो जैसा दिख रहा है, जो सीधा है उसको सीधा बुनना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला सीधा है, इसको धागा को पीछे की तरफ करके इसे सीधा बुन देना है। फिर धागा अपनी तरफ करके, यहाँ पे पांच फंदे मेरे उल्टे हो रहे हैं तो वही पांच फंदे हमें उल्टे बुन देने हैं, दो तीन चार और पांच, पांच फंदे उल्टे हो गए। फिर धागा पीछे करके ये एक फंदा सीधा है तो इसे सीधा बुन देना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे हो गए। फिर धागा पीछे की तरफ करके एक फंदे सीधे बुन देना है, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुन देना है। तो देखिए ये इस तरह से डिजाइन बनेगी। और इसके बाद फिर से हमें वही डिजाइन अब यहाँ पे फिर से रिपीट करना है। तो मैं खाली एक बार बता देती हूँ कि इस पर शुरू कैसे करना है, ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट फंदा हमें जो उल्टा है उसे उल्टा बुन लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से वही डिजाइन शुरू करना है। तो यहाँ ही इसी पे देखिए इस तरह से इसको सीधे में ही एक दो और तीन बार लपेट लेना है इस तरह से। और उसके बाद फिर से बीच वाले तीन फंदे जो हमने सीधे बुनना है उसको हमें सीधे बुन देना है। तीन फंदे सीधे हो गए। फिर इस पे देखिए जो यहाँ पे लपेटा हुआ है ये वाला है क्रॉस, इसी पे हमें फिर से तीन फंदे मतलब तीन बार लपेट लेना है। और फिर इस तरह से फिर धागे अपनी तरफ करना है, ये उल्टा है तो इसको उल्टा बुनना है, उल्टा। फिर धागा पीछे की तरफ करना है और इसमें फिर से हमें वही तीन बार लपेट लेना है इस तरह से। और उसके फिर से हमें तीन फंदे सीधे बुन देंगे। फिर यहाँ पे हमें तीन बार लपेट कर और धागा अपनी तरफ करना है, ये वाला फंदा उल्टा है इसे उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे करके इसे सीधा बुनना है, देखिए। और इसी तरह से सेम जो जैसे हमने इसमें बनाया है इसी तरह से इस डिजाइन को हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये तीन सिलाई कंप्लीट कर ली। चौथी सिलाई में हमें इसको ये करना रहता है, तो फिर एक बार बता देती हूँ। बिल्कुल मैंने जिससे पहले सिलाई में बताया छह सिलाई कैसे बुना, छह सिलाई का ये डिजाइन है और छह फंदों का ही है। देखिए इस तरह से
दोनों फंदे हमने दोनों किनारे का छोड़ दिया, बीच वाला तीन फंदे उठा लिए हैं, और फिर इस फंदे को पहले इस सिलाई में लेंगे, फिर इस तीनों फंदे को इसमें डाल लेना है, उसके बाद फिर इसको यहाँ पे, तो ये क्रॉस हो जाएगा और धागे को पीछे की तरफ करके और यहाँ पे देखिए इस तरह से बुन लेना है। ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत खूबसूरत लगता है। आप अगर जेंट्स स्वेटर में बनाएंगे तो इतना खूबसूरत लगेगा, जेंट्स स्वेटर में हो या कार्डिगन में भी बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा उभर के आता है। देखिए इस तरह से बनने लगा है डिजाइन, तो इसी तरह से हमें बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और लाइक शेयर करिए, कमेंट भी करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे क्या देखना है। और हाँ, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मोती का थाल पोस्ट बताएं, मोती वाला, तो मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है अभी, इसलिए कुछ कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ घबराइए नहीं, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो देखिए इस तरह से ये डिजाइन दो गो मैंने बनाया है। तो देखिए ये डिजाइन बनने के बाद बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे आप ये भी देखिए, इसको मैंने यहाँ पे दो ही बनाए हैं और यहाँ पे इतने सारे हैं। तो प्लीज कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके।